नमस्ते प्यारी परिवार। सो आज हम आ गए हैं मे आई कम इन मैडम के शूटिंग लोकेशन पर और आज हम एक न्यू सीन शूट करने जा रहे हैं और हम आपको डायरेक्टली लेकर जा रहे हैं शूट लोकेशन पे। ऑफिस का सीन है। नमस्ते प्यारी परिवार। सो हम आ गए हैं मे आई कम इन मैडम के शूटिंग लोकेशन पे। हमारा सेटअप हो चुका है, ऑफिस में कुछ सीन चल रहा है और अब हम देखेंगे कि क्या सीन चल रहा है। वेरी एक्साइटिंग, कुछ नया होने वाला है, समथिंग डिफरेंट इज गोइंग टू हैपन, लेट्स सी व्हाट। ये हमारा कैमरा सेटअप हो चुका है एंड हमारे स्वीटेस्ट कैमरा मैन, ये हमारा बाथिंग टब सेट हुआ है, कोई तो यहाँ पे नहाने वाला है सीम्स, एंड ये हमारा दूसरा कैमरा है। आज ऑफिस में कैंडल्स जलाए जा रहे हैं, दिवाली सेलिब्रेशन तो नहीं है, क्या पता। देखे जरा पीछे भी कैंडल्स जल रहा है। आज तो ऑफिस का एम्बियंस कुछ अलग ही है, कुछ तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। पर ये बाथटब और साजन क्या कर रहे हैं बाथटब के पास और क्या मांग रहे हैं वो और ये लड़का कौन खड़ा है ब्लैक बेथिंग रोब में, क्या ये बाथटब के अंदर जाने वाला है। ये हमारी सुंदर सी लाइटिंग, ये हमारे क्लाइंबर्स, मनी प्लांट, सुंदर सुंदर सा हमारा ऑफिस। सो आई थिंक दे आर डन एंड आई थिंक नाउ दिस सीन इज गोइंग टू स्टार्ट। सो आई थिंक एक्टर्स आर रेडी, डायरेक्टर इज रेडी एंड एक्शन बोल चुके हैं वो। हम देखते हैं, प्यारी कम्स टू साजन एंड शी सेज समथिंग, कुछ कह रही है प्यारी साजन को और आई थिंक ये अपना प्लेसमेंट चेक कर रहे हैं कि ये सही पोजीशन पे खड़े हैं कि नहीं। एज एक्टर्स हमें सही पोजीशन पे खड़े रहना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हम कैमरा में दिखेंगे नहीं, हम कैमरा के बाहर दिखेंगे तो ऐसा ना हो कि हमने डायलॉग्स पूरे बोल दिए और हम कैमरा में दिखे ही नहीं, दिस इज़ वेरी फनी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दिस इज़ सेकेंड सीन, आई मीन सेम सीन सेकेंड शॉट आई थिंक, एंड यहाँ पे कुछ कॉन्वर्सेशन हो रहा है साजन का इस लड़के के साथ और डीओपी सर मुझे कह रहे हैं कि थोड़ा सा अंदर आओ वरना तुम कैमरा में नहीं दिखोगी प्यारी। सो वी आर एक्चुअली एडजस्टिंग आर पोजीशंस कैमरा के हिसाब से, हम अपने प्लेसमेंट फिक्स कर रहे हैं कि हमको कहाँ आना है, कितना मूवमेंट करना है, कहाँ पे हमको एग्जैक्टली दिखना है, नहीं तो हम कैमरा के बाहर दिखेंगे। सो एज एक्टर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि डायलॉग्स तो याद हो, आपको पता हो कौन सी लाइन किसके बाद बोलनी है, पर प्लस आपका पोजीशन क्या है वो भी आपको याद रखना चाहिए। तो एज एक्टर्स हमको 10 चीज़ें माइंड में कैरी करना होता है जब हम एक शॉट एक सीन एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। प्यारी कुछ कह रही हैं और साजन भी कुछ कह रहे हैं, तो ये रिहर्सल चल रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि साजन ने अपने हाथ में स्क्रिप्ट ली हुई है तो वो रिहर्सल चल रहा है प्यारी एंड साजन का, एंड दे आर प्रैक्टिसिंग द स्क्रिप्ट कि द गिव एंड टेक जो एक्टर्स के बीच में होती है वो चीज़ यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि संजना जी के हाथ में, जैसे कि जो हमारी मैडम है, जो मेरी दीदी हैं, उनके हाथ में भी स्क्रिप्ट है ऑब्वियसली, क्योंकि इनके थोड़े डायलॉग्स लंबे लंबे होते हैं तो वो तो ऑन स्पॉट लर्न करते हैं हम सारे डायलॉग्स, लाइक सीन होने के 5 मिनट पहले ही हमको अपनी स्क्रिप्ट मिलती है और इनके तो काफ़ी डायलॉग्स होते हैं तो वो लर्न करना इज़ यू नो वो भी एक टैलेंट है कि हम फटाफट कैसे लर्न करते हैं, हमारी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है एज एन एक्टर। तो बेसिकली हमको करना ये होता है कि हम सीन को समझ लेते हैं कि सीन में करना क्या है और जो मेन डायलॉग्स होते हैं उसके अराउंड हम याद कर लेते हैं, एक दो बार रिहर्स कर लेते हैं, फिर एक बार आके सेट पर रिहर्स कर लेते हैं और उसके बाद हम सीन करने लगते हैं। तो हमारा जो स्टार कास्ट है, मैं ये कहना चाहूँगी कि इतना अच्छा है, इतना अमेजिंग है कि कोई भी रेयरली फंबल करता है और कोई भी अपने डायलॉग्स नहीं भूलता है एंड एवरीबडी इज़ सो बैंग ऑन बिकॉज दीज आर ऑल यू नो ओल्ड एक्टर्स एज इन देयर इंडस्ट्री फॉर लाइक 10 ईयर्स प्लस एंड उनको बहुत एक्सपीरियंस है। आई एम द न्यूएस्ट एक्टर इन देयर प्रोडक्शन, इन देयर कंपनी, इन देयर टीम एंड आई एम वेरी प्रिवलेज, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिले। सो आई मेक श्योर कि मैं बहुत अच्छे से अपने सीन्स देती हूँ, कभी फंबल नहीं करती हूँ, कभी लाइन्स नहीं भूलती हूँ मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ वैसे भी, बट हाँ सीन में ऐसा हो रहा है कि
कुछ तो हो रहा है संजना को और प्यारी कुछ पूछ रही है उनसे, बट हमें समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ऑब्वियसली समझ कैसे आएगा, समझ तभी आएगा जब आप एपिसोड देखेंगे। तो आप देखना ना भूलें। मे आई कम इन मैडम? अभी कुछ तो ब्रेक हुआ है। यस, तो मैं कह रही थी कि आप देखना ना भूलें मे आई कम इन मैडम। ये हमारा फाइनल सीन शूट स्टार्ट हो गया है और अभी इसके पहले तक रिहर्सल चल रहा था जब मैं आपसे बातें कर रही थी। अभी फाइनली प्यारी अंदर आई है एंड सीन शुरू हो गया है। साजन और प्यारी की बातें हो रही हैं। साजन जी कुछ तो प्यारी को समझा रहा है, आई थिंक वो समझ गई इसलिए वो वहाँ से निकल गई। तो बेसिकली प्यारी समझ गई एंड शी कम्स एंड शी कम्स टू हर सिस्टर। मैं अपनी बहन के पास चली गई और मैं बैठ गई अपनी दीदी के बगल में। अब देखें क्या हो रहा है यहाँ पे। ये मॉडल, सॉरी मैं नहीं बताना चाहती है कौन है, चलो मेरे मुँह से निकल गया। ओके आप तो देख ही लोगे एपिसोड में। ये लड़का जो भी है ये साजन से कुछ तो कह रहा है, फिर संजना कुछ कह रही है, फिर साजन कुछ कह रहा है, फिर प्यारी ने भी अभी कुछ कहा। सो गाइज ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत फनी होने वाला है साजन के साथ जो भी होगा। सो आपको ये एपिसोड बिल्कुल देखना चाहिए। अगर आपको हंसते हंसते पागल होना है तो आप ज़रूर देखिए मे आई कम इन मैडम एवरी मंडे टू सैटरडे 9:30 PM ऑन स्टार भारत। ऑल्टरनेटली अगर आप स्टार भारत पर नहीं देख पा रहे, आपके पास टीवी नहीं है, तो आपके पास OTT होगी जो कि फ़ोन और लैपटॉप दोनों में चलता है, तो आप वो खोलें और उस पर Disney+ हॉटस्टार में हमारे एपिसोड्स देखें। सो दैट इज़ इट। YouTube पे तो हमारे एपिसोड्स जा नहीं रहे, तो हमारे शो का BTS आपको सिर्फ और सिर्फ प्यारी कन्या के चैनल पे मिलेगा। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करें कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आपको मैं कैसी लग रही हूँ शो पे और बाकी लोग कैसे लग रहे हैं और आपको शो कितना पसंद है। जुड़े रहें मेरे साथ और माय चैनल।